Okay, can somebody read please? Crop rotation. Crop rotation. This refers to growing of number of crops one after the other in a fixed rotation to maintain the fertility of the soil. Okay. The rotation of crops may be complete in a year in some of the areas, while it may involve more than 1 year's time is others. Okay. Pulses or any leguminous crop is grown after the cereal crop. Legumes have the ability of fixing nitrogen to the soil. Highly fertilizer intensive crops like sugarcane or tobacco are rotated with cereal crops. The selection of crops for rotation depends upon the local soil conditions and the experience and the understanding of the farmers. देखिए नॉर्मली क्या है, क्रॉप रोटेशन माने एक के बाद एक, एक के बाद एक. सीरियल क्रॉप्स माने अपने जो चावल है, गेहूं है, ओट्स. ओट्स है, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स. अब इसके बाद में उसको सॉइल को क्या है, थोड़ी एनर्जी देना है. वो एनर्जी कैसा देते हैं आप, लेग्यूम्स लगाते. वो एनर्जी कैसा देंगे आप, लेग्यूमिनस लगाते, क्योंकि नाइट्रोजन अगर खत्म हो गया तो पहले क्या है, पल्सेस और एनी लेग्यूमिनस ग्रोन आफ्टर द सीरियल क्रॉप्स. लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या करते, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेते, ठीक है, और फिर लेग्यूम्स फिक्सिंग द नाइट्रोजन ऑफ द लेग्यूम्स हैव द एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल. फिर उसके बाद में क्या है, हाई फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप लाइक शुगर केन एंड टोबैको आर रोटेटेड विथ सीरियल क्रॉप्स. पहले क्या करो आप, सीरियल क्रॉप बनाओ, फिर उसके बाद में लेग्यूमिनस क्रॉप बनाओ, फिर शुगर केन एंड टोबैको लगाओ. हाई फर्टिलाइजर, इसमें क्या है, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा देना पड़ता है. द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स रोटेशन डिपेंड्स ऑन द लोकल सॉइल कंडीशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फार्मर्स. समझ आ गया ये, यस और नो? यस सर. तो अगर आप ये, are you able to see this diagram? Yes sir. देख इसमें क्या है, what is the diagram all about? Nitrogen in the atmosphere. Nitrogen in the, पहला क्या है, nitrogen in the atmosphere N2. Clear है? ये किधर जा रहा, where it is going? In the soil. Nitrogen fixing bacteria, root nodules of the legumes. ठीक है, ये जो roots है ना, ये लोग क्या करते, atmosphere का nitrogen खींच के अपना इस्तेमाल कर ले. Nitrogen fixing bacteria रहता. फिर नीचे ये जो ये हो गया बाद में, फिर और नीचे जा रहा हूँ, nitrogen fixing soil bacteria. ये क्या है, रूट बैक्टीरिया एक रहता, जड़ों का बैक्टीरिया एक अलग रहता, एक मट्टी का बैक्टीरिया अलग, ठीक है. फिर उसके बाद में अमोनियम बनता है, अमोनियम, अमोनियम इज NH4, अमोनिफिकेशन. पहले ये आपको नॉर्मल आपको साइकिल के साथ आप प्लीज अरेंज इन द प्रोसीजरल वे. सबसे पहले कौन सा एटमोस्फेयर है, कौन सा नाइट्रोजन है, N2 नेचुरल. फिर उसके बाद में कौन सा बन रहा, फिर कौन सा बन रहा, NH4. वो प्रोसेस क्या बोल रहे आप, अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन में क्या है आपका आउटपुट, अमोनियम, अमोनियम NH4. फिर उसके बाद में क्या बन रहा, नाइट्रिफिकेशन. ये प्रोसेस, ऊपर प्रोसेस का नाम है, उसके बाद में रिजल्ट है, ठीक है. अमोनियम के बाद कौन सा प्रोसेस हो रहा, नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन से क्या बन रहा, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. उसके बाद में आखिरी फाइनल प्रोडक्ट क्या है,
नाइट्राइट्स देखिए बट बट वन प्रोडक्ट नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स के बाद नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स क्लियर है पॉइंट ये? Yes. ये इतना याद रखिए आप, सबसे पहले क्या है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर से कौन ले रहे थोड़ा नाइट्रोजन, रूट नोड्यूल्स जो जड़ों में है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम के बाद नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स के बाद नाइट्रेट्स, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके सो बाय दिस विल कंप्लीट आवर, ये डिटेल में जाएंगे पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए काम कर। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? यस सर। चलिए बाय दिस विल कंप्लीट आवर ज्योग्राफी टुडे।